स्मार्ट ह्यूमन की नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं बूस्टर कंपनी का कैंपिंग बर्नर। इसको यूज़ करते हुए लगभग एक साल से ज़्यादा हो गया है। आपको इसका ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि ये इसका बॉक्स है, इसमें एक आपको छोटी सी मैनुअल मिलती है जिसमें थोड़ा बहुत बर्नर के बारे में बताया है। ये इसका पाउच है जिसमें आप कभी ट्रैकिंग में जा रहे हो तो उसके अंदर कैरी कर सकते हो, अगर इतना बड़ा डब्बा आपने नहीं ले जाना है। तो शुरुआत में इसमें सबसे पहले मिलती है आपको ये इसका बर्नर, जिसमें ये इसको बोलते हैं ब्रैकेट, या आप वैसे भी बोल सकते हो इसके स्टैंड, जिसमें हमारा बर्नर पूरा अच्छे से स्टैंड होता है। इसके बाद आती है इसमें ये इसका फ्यूल बोतल, जो कि 530 ml है। आपको इसको फिल करना पड़ता है 450 ml, ताकि जो इसका इतना पोर्शन बचता है इसमें एयर आनी चाहिए अगर आप इसको फुल भरते हैं, ताकि एयर का प्रेशर जब बनेगा तो पाइप के द्वारा सीधे बर्नर में जाएगा। अब तीसरा है इसमें जो मेन है, वो बोतल और बर्नर को साथ में जोड़ता है, इसको बोलते हैं नोज़ल और इसको बोलते हैं सॉफ्ट पाइप। ये बहुत ही फायर प्रूफ है, मतलब फायर रेजिस्टेंट, उतनी जल्दी वार्म भी नहीं होता है और जलने वलने का कोई चांस है नहीं। तो आखिरी चीज़ है ये जो इसका पंप है, इसके बारे में रोहित को अच्छी जानकारी है, तो रोहित बताएगा आपको। तो ये हो गया इसका रेड, जो आपको ये पोर्शन दिख रहा है इसको कहते हैं एयर सिलेंडर कनेक्टिंग शार्फ, और इसी के जस्ट अपोजिट पे जो आपको ये दिख जाएगा ये इसका माउथ हो गया, जो कि ये जो सिलेंडर और उसको जोड़ती है कनेक्ट करते हुए, तो ये इसमें जुड़ेगी आपकी, तो इसे इसलिए इसे माउथ कहते हैं। ये हो गया इसका ब्रैकेट या स्टैंड कह सकते हैं, जिसको फ्यूल बॉटल से जब ये अटैच होता है तो सपोर्ट मिल जाता है ऐसे नीचे को रखने के लिए। वजह जो आपको ये सिल्वर पोर्शन दिख रहा है और यहाँ से गोल्डन, इतना ये पूरा इन्फ्लेटर हो गया। इन्फ्लेटर के बाद जो आपको ये पुश के लिए मिलेगा प्रेशर क्रिएट करने के लिए, इसको कहते हैं हैंडल इसका। तो इसके बाद हम आपको दिखाते हैं ये प्रोसेस कैसे जोड़ेंगे, हम इसको इसमें फ्यूल भरेंगे, बर्नर को चालू करके आपको दिखाएंगे, और साथ में एक आपको मिलता है टूल किट, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको इतने से टूल से हम कर सकते हैं। और साथ में इसमें मिलता है ये पंप का वॉशर मिलता है एक, और एक ये नोज़ल मिलती है जो फ्यूल को बाहर फेंकती है और जिससे बर्न होता है, वह इतनी सी चीज़ें मिलती है इसमें आपको। तो चलिए आपको दिखाते हैं हम इसके बाद का, आगे को चलाते हैं। तो ये बर्नर है, इस पर अब हम फ्यूल टैंक ये सब कनेक्ट करेंगे, सारे इक्विपमेंट जो दिखाते हैं। ये वॉल्व और सॉफ्ट पाइप हो गया, जो सॉफ्ट पाइप अब हमने कनेक्ट कर दिया है। सॉफ्ट पाइप कनेक्ट करते टाइम थोड़ी टाइम लग जाएगा कि अगर थोड़ा लीक हो रहा हो तो। अभी अब फ्यूल टैंक को भी हम रिफिल करेंगे 450 ml भरते हुए। एरो देख लेना 450 ml का। अब वॉल्व और हम एयर सिलेंडर कनेक्टिंग शाफ्ट को एक साथ कनेक्ट करेंगे। हमने उस पर पहले थोड़ी ग्रीसिंग कर ली थी ताकि लीकेज ना हो और सब फिट रहे। तो ये सॉफ्टवेयर और एयर सिलेंडर कनेक्टिंग साफ जुड़ चुका है, और ये इससे फ्यूल बॉटल भी जुड़ गया। तो ये अभी नोज़ल टाइट कर दिया है ताकि जो अंदर की पिन हो हल्की सी प्रेस हो जाए और फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट हो। अब ये प्रेशर जनरेट होगा जो कि इन्फिलेटर करता है उसके अंदर का पूरा पंप लाइक। तो अब हमने पंप इतने ही माने कि जितना हमको प्रेशर लग रहा है कि पूरा पंप दब रहा है। अगर जब पंप दबना बहुत आपको लगेगा कि टफ हो रहा है, टाइट हो रहा है, तो उसके बाद हमने पंप नहीं करना है। प्रेशर इतना ही जनरेट करना है कि कोई इंजरी ना हो, या आपका नोज़ल कुछ अंदर से फट ना जाए या कुछ ना हो। तो कोशिश करिए 25 से 20 पंप बहुत है नॉर्मल, उसमें नोज़ल टाइट, आपने नोज़ल को टाइट से बंद करना है ताकि जब तक हम उसको खोलेंगे नहीं तो फ्यूल बाहर आएगा भी नहीं। ये इसका स्टैंड है, स्टैंड को हमने ऐसे रख देना है, जो जिसको ब्रैकेट भी कहते हैं। ये इसके बर्नर के ब्रैकेट हैं। तो आपने देखना है यहाँ पे जो स्पार्कलिंग माउथ है, उसके नीचे एक आपको नोज़ल टाइप का दिखेगा, वहाँ आपको फ्यूल आएगा,
तो इसको जब आप हल्के से खोलोगे, देख सकते हैं आप जैसे पेट्रोल आ गया उसमें, तो कोशिश करिए यहाँ देखिए कि यहाँ आपके बोल्ट टाइट हो यहाँ से, ताकि ये पेट्रोल भरना है। अभी पेट्रोल आया नहीं है लेकिन यहाँ पे आ गया है, अब हम कोशिश करेंगे इसको जलाने की। तो जैसे कि आप देखिए ये जल गया है, तो जो फ्यूल बोतल है उसको थोड़ा साइड रख लेंगे। ये जो हमारी आपके कहते हैं वार्म अप पाइप है, ये गर्म होगी, ये जितनी ज़्यादा गर्म होगी उतना ज़्यादा अंदर गैस बनेगा, और जितना गैस बनेगा तो वो चेंज हो जाएगा, लिक्विड चेंज हो जाएगा गैस में। तो अभी थोड़ी देर में देखना आप, अभी तो मैंने पूरा फ्यूल बंद किया है तो इसमें फ्यूल जा नहीं रहा होगा। और पेट्रोल बेस्ट है, कहीं भी मिल जाता है, कहीं भी अवेलेबल हो जाता है, ब्यूटेन गैस आपने ख़रीदने पड़ते हैं ब्यूटेन के गैस। अब देख लीजिए थोड़ा वो कम हो गया है, तो हल्का सा मैंने ये खोल दिया, ये स्टार्टिंग में अभी गर्म हो रहा है, थोड़ा टाइम लगाएगा वार्म अप पाइप को गर्म होने में। जो नोजल है, नोजल को मैं थोड़ी ये, जब ये इसकी व्यू हमको व्यू लॉ दिखेगी तो उसके बाद हम उसको बढ़ाएंगे। देखिए मैं इसको खोल के जा रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये प्रॉपर आ गया है, प्रॉपर जल रहा है, और इसमें खाना भी आपका जल्दी बनता है। तो इसकी लॉ है, देखिए आप ये व्यू है, जितना व्यू होगा उतनी जल्दी जलेगी, देखिए उतनी जल्दी इसकी नाश्ते करा देंगे। इतना गर्म है कि इसको तुरंत जला दे गए। कभी हमने इसको ब्यूटेन गैस से कभी जलाया नहीं है, तो हम अभी पेट्रोल से ही काम चलाते हैं, क्योंकि पेट्रोल हमको कहीं भी अवेलेबल हो जाता है। ब्यूटेन के लिए मेरे को लगता तो नहीं है हमारे यहाँ कहीं मिलेगा, तो हमें ऑनलाइन लेना पड़ेगा। तो आपको अगर इससे कोई भी, इसके साथ में कोई भी क्वेरीज है या कुछ है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे, हमने जो नाइफ खुद से बनाई है ट्रैकिंग की, और जो हमारे पास जेरी कैन है वो दिखाएंगे कि हमने कहाँ से ख़रीदे और कितने कितने लीटर के हमारे। तो इससे पहले इसको थोड़ा बंद करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा आपको इसके आगे का, तब तक ले थोड़ा ब्रेक लेते हैं। तो बर्नर के साथ हम आपके सामने एक, ये हमारा जेरी कैन केचवे कंपनी का 10 लीटर का लाए हैं, जो हमारे लिए बहुत पोर्टेबल है। ट्रैकिंग के वक्त हमें बहुत चलना पड़ता है, तो इसलिए ये जितना पोर्टेबल हो, ये जैसे इतना पतला हो जाता है होने को, आप बैग में कहीं भी कैरी कर सकते हैं। इसमें बढ़ता आपका 10 लीटर, वीडियो में जैसे आप देख रहे हैं पानी में हम इसको भर रहे हैं। और दूसरा हमने परचेज किया अमेज़ॉन से, जो कि आपका है 5 लीटर, लेकिन इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। अगर आपको इनके लिंक चाहिए होंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको कमेंट में आपको इसके लिंक दे सकते हैं। और साथ में हम इसके साथ आपको रिव्यू करेंगे, हमारे साथ हमने जो नाइफ बनाई है आपको दिखाते हैं। ये कोई हमने ख़रीदी नहीं है, ना ही कहीं से किसी से बनवाई है, ये हमने खुद ही अपने आप होममेड है। जैसा कि आप देख सकते हैं 3 शेपों में बनाई है, एक ये, एक जैसा कि रोहित दिखा रहा है आपको ये, और एक ये। अगर आपको ऐसी नाइफ बनानी है तो आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि हम स्मार्ट ह्यूमन है तो हम कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपको अगर ऐसी चीज़ें कुछ चाहिए तो आप हमें मैसेज या डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो अभी हम आपको वीडियो में दिखाएंगे आपको कि इसकी कटिंग और ये काटता कैसे, ठीक है।